के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले वैगा आदिवासियों ने अबकारी और पुलिस विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए एसपी कार्यालय का घेराव कर अबकारी और पुलिस विभाग के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही अबकारी विभाग के अधिकारी द्वारा किए गए कार्रवाई पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए बताया कि अबकारी विभाग द्वारा 1 लाख रुपया लिया गया है, रकम देने के बावजूद भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। साथ ही अबकारी अधिकारियों ने महिलाओं के साथ मारपीट भी की है और उनके घर में तोड़फोड़ भी किया है। मामले में पुलिस द्वारा साथ दिए जाने का भी ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। एसपी साहब को हम लोग ये मांग किए हैं कि तत्काल कार्रवाई हो, उनके ऊपर FIR हो, क्योंकि बैगा आदिवासी लोग हैं और राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहलाते हैं और इन लोग को जैसे शराब के बारे में बता रहे थे अबकारी विभाग के द्वारा और एसपी साहब के सामने में, तो ये लोग ऑलरेडी 5 लीटर कच्ची शराब बनाने का इनको शासन के द्वारा तो ऑलरेडी प्राथमिकता में है। उसके बाद भी आबकारी विभाग के द्वारा कार्रवाई किया गया और उस ऊपर से 1 लाख रुपया का मांग किया गया, मांग नहीं सीधा 1 लाख रुपया ले लिया गया है और इन लोग कर्जा बोड़ी करके और शायद मेरे ख्याल से सुनने में आया है कि खेत को गिरवी रख के। तो एक पिता द्वारा बेटे के दोस्त की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बेटा अपने शराबी दोस्त के नशे में धुत होकर घर पहुंचा था और पिता को भला बुरा कह रहा था। इसी बात से नाराज पिता ने घर की छत पर सो रहे बेटे के दोस्त के सर पर सिलपट्टा पटक कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक खितौला गाँव के निवासी धर्मेंद्र कुमार ने हत्या की वारदात को अंजाम दी है। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र भूमिया मिस्त्री का काम करते हैं, उसका बेटा आकाश की दोस्ती बुरा मोहल्ला निवासी नीरज नामदेव के साथ थी। आकाश और नीरज के साथ मिलकर कैटरिंग का काम करता था। छतरपुर में एक झगड़ा हुआ था और वो झगड़ा जो है पुरानी एक विवाद था उनका, उसमें वहाँ का एक सरपंच, ये कल रात को करीब 10:30 बजे थाना के तौला अंतर्गत ये धर्मेंद्र भूमिया के मकान पे ही उनकी छत पे उनके द्वारा ये जो घटना के आरोपी हैं इनके द्वारा इनके पुत्र का जो मित्र है गणेश जो मृतक है उसके सिर पे वार किया था, जो सिल होती है मसाला पीसने वाली उसके जिनका इलाज के दौरान यहाँ मृत्यु हो गई है, उसमें कल रात को ही घटना होने पे थाना कोतवाला में FIR दर्ज की गई थी आरोपी को। तो इधर एक मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवती से पहले ही परिचित था, वही उसकी बीमारी का फायदा उठाकर उससे रेप भी किया। युवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक एक 21 वर्षीय युवती अपनी भतीजी को अपने भाभी के घर छोड़ने गई थी। युवती जब वापस घर गई तो परिजनों को देखकर रोने लगी और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। परिजनों की शिकायत पर मामला थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी कुछ घंटों में ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद युवती का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। पुलिस ने बताया कि युवती 70% मंदबुद्धि है। मेडिकल परीक्षण में उसके साथ दुष्कर्म करने की बात सामने आई है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 14/3/2022 तो आपसी उधर से आ रही थी, तो करीबन 12 बजे ठाकुर किराने स्टोर के पास में एक लड़का वासु नाम का लड़का उसको मिला, जो पीड़िता को बोला कि मैं तेरे को 1 मिनट जा। तो इधर रायसेन के सिलवानी थाना क्षेत्र के प्रतापगढ़ जैथारी के पास ग्राम खमरिया पौड़ी में बच्चों के मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्ष वापस में भिड़ गए और मारपीट के बाद बाइक को आग के हवाले कर दिया। वही हमले में करीब 50 लोग घायल हुए। घटना के बाद से 4 थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और विवाद को शांत कराया। बिल्कुल ना जाओ, बिल्कुल ना।